यूं ही उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा जाता है, यहाँ कण कण में देवताओं का वास है और यहाँ के भव्य और दिव्य मंदिरों की तो बात ही कुछ और है। एक ऐसे ही भव्य और दिव्य मंदिर के आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए आया हूँ रवाई घाटी ब्रह्मश्री जो पट्टी है इसके पोरा गांव में। तो यहाँ पर एक महासु महाराज और कपिल मुनि महाराज का मंदिर है जिसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो मुख्य पुजारी है उनसे भी बातचीत करेंगे, इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। मंदिर अभी निर्माणाधीन है और जो इतिहास है वो क्या है वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही जो मंदिर पर जो हस्तशिल्प कारीगरी है उसके जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए एक बार मंदिर के दर्शन करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं भगवती प्रसाद जी मौजूद हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। पंडित जी पहले तो आप इस मंदिर के बारे में बताइए और ये जो यहाँ के आने का जो मुख्य मार्ग है उसके बारे में बता दीजिए। देखिए जी, सबसे पहले हम आप पत्रकार लोगों का जो है हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं कि आपने हम लोगों को इतने लायक समझा और आप लोगों को हम कपिल मुनि महाराज वासु देवता से यही दुआ लेते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इस प्रकार से ऐसे संस्कार अगर आपके अंदर जुड़े हुए रहेंगे तो हर आदमी का जो है इंसान का जो है अपने जो संस्कृति है उसको कायम रखने के लिए जो है हर बच्चा कण कण में भगवान का वास जरूर रहेगा। जी जी, तो ये मंदिर की जो जगह है ये पोरो गांव हमने बताया जी, तो ये कहाँ पर है इसके बारे में आप बता दीजिए। तो ये जो गांव है जी, ये जब से मतलब राजा का समय था जी, या कभी मतलब कई सौ साल पहले वाली बात जो थी जी, वो हमारा ये पोरा गांव जो है उस समय के निवासी हैं जी। कई पुश्तियाँ हो चुकी है और उसी समय से ये गांव जो है ये यहाँ पर पोरा गांव के निवासी स्थानीय हैं जी। और जिस प्रकार से ये देवी देवताओं को मानने के लिए जो है उदित रहते हैं जी, और इनका जो ग्राम देवता है ये मासु देवता है जी, जो कि मतलब जो है डोडा कश्मीर से जो है अच्छा आ रखे हैं। अच्छा, और पहले से आज 100 साल पहले जब से ये बुजुर्ग आए होंगे उस समय से ही ये देवता इनका जो है ग्राम देवता इष्ट है इनका जी जी। तो इनको ये पूछते थे पहले से जी। फिर इसके बाद जो है हमारा जो कपिल मुनि महाराज जिसमें जो है 12 गांव जुड़े हुए हैं। अच्छा हाँ, तो इसमें जो है ऊपर कपिल मुनि महाराज और खंडासुरी जी, जो कि मासु स्वरूप में आते हैं जी, और उधर जो है गरुगार पट्टी जी, और पट्टी और इधर रामाश्रय जी। तो ये जो है कपिल मुनि महाराज और खंडासुरी की भूमि है जी। इस धरती पे इनकी जो है पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद जो है कम से कम हमने बुजुर्गों से सुना कि 100 साल पहले जिस समय राजा का गांव में आना जाना होता था अच्छा, उस समय कोई ये नहीं थे मतलब कानून कार्रवाई नहीं होती थी, उस समय जो है राजा के ही स्तर में जो है सब काम होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजा के समय पर जब लोग यहाँ आते थे और उन्होंने यहाँ की भूमिका देखी तो हमारे उत्तराखंड में जो है कपिल मुनि महाराज जो है गर्दम ऋषि के पुत्र कपिल मुनि महाराज जी, तो कपिल मुनि महाराज जो है कर्दम ऋषि जो है इस घाटी में इस गुंजियाड़ गांव पोरा या कमलेश्वर ऐसी जगह इन्होंने जो है तपस्या की। बिल्कुल। और इस तपस्या के आधार पर जो है लोगों ने जो है जब यहाँ पर उस समय बस्तियाँ थी, जब मूर्तियों की कल्पना की गई उस समय बस्तियाँ कम थी और तब जो है ऋषि मुनि जो है अपने जब गांव बस्ती बढ़ने लगी तो ऋषि मुनि जो है यहाँ से गांव छोड़ करके जो है उधर केदारकंठ की तरफ निकल पड़े। अच्छा, और केदारकंठ के बाद जो है वो केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री इस प्रकार से उधर जो है मतलब अपना भ्रमण करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी कपिल मुनि महाराज जी। कपिल मुनि महाराज एक ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं जिन्होंने जो है शादी नहीं की। अच्छा, 5 साल के अवस्था में
उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था, जो कि कर्दम ऋषि के पुत्र कपिलमुनि महाराज हैं और देवित के पुत्र जो हैं कपिलमुनि महाराज जी हैं। उन्होंने सीधा ही अपने माँ बाप को छोड़ करके उन्होंने अपना गंगा स्थल हरिद्वार से जो है गंगा में छलांग मारी और सीधा गंगा सागर पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने एक तपस्या की, जहाँ उनका भव्य मंदिर है, जहाँ से उनका जो है प्रचलन हो रहा है, और वहाँ पर गंगा सागर में इनका बिल्कुल स्थानीय मंदिर है, जहाँ से इनके जितने जो रूप हैं, देहरादून है, कलकत्ता है, बम्बई है, या राम या पौरा में है, गुंजार गांव में है, कन्याल गांव में है, इस प्रकार इनकी जो पूजा की जाती है। अच्छा, यहाँ पे दो मंदिर बनाए जा रहे हैं, एक महासो महाराज का और एक कपिल मुनि महाराज का। तो हम चलते चलते हम आप दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि कौन सा मंदिर कपिल मुनि महाराज का, आइए आप जरा बता दीजिए हमें। तो एक मंदिर इस साइड है और एक इस साइड है, तो यहाँ पर ये जो दाएं साइड है ये जो है कपिल मुनि, ये मासुदेवता का मंदिर है, और जो दाएं साइड है वो कपिल मुनि महाराज जी का है, इस साइड आ जाएगा, ये कपिल मुनि महाराज जी का मंदिर है। तो यहाँ पर जो खूबसूरत नकाशियां हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो देवी देवता है उनकी जो आकृतियां हैं वो उकेरी गई हैं, और ये सब जो है हस्तशिल्प स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई है। ये स्पेशल कारीगरी जो इसके मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार यही उत्तराखंड के, यही उत्तराखंड के हैं, और यहीं पर जो है जो मिस्त्री हेड मिस्त्री था हमारा वो जो है सुरेंद्र शाह जो है मिस्त्री काम किया। अच्छा। और उन्हीं के द्वारा जो है ये मूर्तियां बनाई गई और वो है कई मंदिर उन्होंने बना चुके बिल्कुल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नारायण जी की जो ये द्वार पे मूर्ति बनाई गई है। हाँ। और आप देखेंगे कितनी बारीक जो नकाशी है वो यहाँ पर बनाया, और यहीं पे ये सब बनाए यहीं पर। और ये देवदार की लकड़ी, ये देवदार की लकड़ी बाहर से आई गई, और देवदार की लकड़ी जो है मतलब कम से कम 3,000 नग से कम नहीं है। अच्छा, ये जो है मैं तो लाने मैं चाहूंगा आप दर्शकों को एक बार मंदिर के चारों तरफ दिखाते हुए बातचीत करते चले हम, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ उकेरी गई हैं आप देख सकते हैं कि हस्तशिल्प का जो अद्भुत नमूना है यहाँ पर, तमाम जो देवी देवता है, और साथ ही में यहाँ पर पत्थरों की भी इनमें वो है चिनाई की गई है, पत्थरों की भी यहाँ से जो है हिमाचल से। अच्छा, हिमाचल से ये पत्थर आए, ये पत्थर आए हैं जी। और ये जो ऊपर जो छत है पटाली जिसको बोलते हैं वो भी हिमाचल से ही लाए गए हैं। हाँ, कहीं इसको पटाली बोलते तो कहीं स्लेट इनको कहा जाता है। और आप देख सकते हैं जो पिलर है वो पूरे ये सिंगल लकड़ी का है, पूरा सिंगल लकड़ी का, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है ऊपर से, बिल्कुल अद्भुत जो है। और बारीक जो नकाशी है ये सारे हाथ से की गई है, सारा। कितना समय लग गया था इसको बनने में? इसमें तो कम से कम 2 साल लगे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि एक स्तंभ यहाँ पे जो ये है इसमें ये कैसे बनाएगा, इसके बारे में आप बता दीजिए, ये क्या है, इसका क्या महत्व है इस पे? इसका ये महत्व है कि एक कलाकार ने अपनी छवि छोड़ने के लिए उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो है हम अपनी कलाकारी ये करेंगे, इसी के अंदर काट के बनाया, इसी के अंदर काट के बनाया बिना ज्वाइंट के। तो काफी अच्छा जो नजारा है, भव्य और दिव्य भी ये होने वाला है, क्योंकि अभी मंदिर में जो कार्य है वो चल ही रहा है। और पंडित जी एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे कि आप कपिल मुनि महाराज की कब से कितनी पीढ़ियों से आप जो है सेवा करते आ रहे हैं, इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, तो सर चलते चलते ये जो ये हम जो पुजारी हैं जी, ये उसी समय से जब राजा का समय था, अच्छा, उसी समय से हमारे जो है दादा जी, परदादा, फिर पिताजी जी, फिर आज हम उस पद पे नियुक्त हैं जी। और इसी सिलसिला में जो है लोग हमको जो पुजारी मानते हैं, तो इस कारण से मानते हैं कि इसके जो खानदानी ही पुजारी रहे, खानदानी पुजारी। हाँ, तो खानदानी से जो है जब इनके बाप दादा पुजारी रहे, इन पे कोई दोष नहीं है जी, तो इसको जो है पुजारी नहीं बदलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे बातचीत करके, आपने जो कपिल मुनि महाराज और इस मंदिर के बारे में जो बताए, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पसंद आ जाए। दर्शक अगर यहाँ आना चाहते हैं तो इसका अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा मतलब 2-3 महीने और लगेंगे, जिससे मतलब जो है अभी कलश चढ़ने, फिर उसका जो है लाइट फिट होनी है, पॉलिश होनी है, फिर हम 2024 तक ये तैयार हो जाए। तो आप पुरोला से करीब 6-7 किलोमीटर दूर पे है ये, पुरोला से ही 6-7 किलोमीटर आप आ सकते हैं, और इस जो दिव्य और भव्य है यहाँ पर आके आप आशीर्वाद ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, अभी हम बातचीत करेंगे मंदिर समिति के जो अध्यक्ष है उनसे भी बातचीत करो, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है मंदिर समिति के अध्यक्ष त्रिलोक बिजलवाण जी। बिजलवाण जी, बहुत
बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। मैं भी आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड का अपनी ग्राम सभा में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन बहुत अभिनंदन करता हूं। अब इस मंदिर के बारे में बताइए कि कब से ये बनना शुरू हुआ, जो इसका निर्माण कार्य है और जो मिस्त्री है वो कहाँ से आए, जिस कुछ तो हमें पंडित जी ने बता दिया है, लेकिन आप इस मंदिर के अध्यक्ष हैं तो कब से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ? इस जो मंदिर है, मैं आपको इसकी रूपरेखा बताऊं तो ये एक हमारे ग्राम देवता है डोंडेश्वर महाराज, अच्छा। जिनको महासु महाराज के नाम से जाना जाता है, और बगल का जो मंदिर है वो हमारे सिद्ध बाबा कपिल मुनि महाराज, खंडासुरी महाराज, माँ भगवती, जो इस क्षेत्र के आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, उनका मतलब संयुक्त रूप से दोनों का भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ पे। जब कोरोना काल शुरू हुआ था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उस दौरान जनवरी 2021 से इस मंदिर का जो निर्माण है वो शुरू हो रहा, अच्छा। निर्माण कार्य चल रहा है। पहले कैसा था यहाँ पे मंदिर? पहले यहाँ पे सिंपल मंदिर था, आरसीसी का था, लेकिन लोगों की आस्था और विश्वास उसमें भी अत्यधिक थे। ये मंदिर जो है ये ग्राम सभा ने बनाई या पूरे जो क्षेत्र के लोगों ने उनका सहयोग है? ये जो मंदिर है ये विशेष रूप से हमारी जो ग्राम पंचायत पोरा है उसका बहुत ही सराहनीय योगदान है इस मंदिर को बनाने में, और लगभग बाहर से भी लोगों का चंदा आया है। गुंदियाड गांव हो गया या कंडियाल गांव हो गया, अपनी जो पूरी पट्टी है, हमारी जो ध्यानटूड़िया है जिनको जो यहाँ से ससुराल दूसरी जगह जा रखी है, उन्होंने भी अपना काफी योगदान दिया है। अच्छा, अभी जो मंदिर का निर्माण कार्य अभी थोड़ा बहुत रह गया है, मंदिर का कितनी लागत आ गई होगी? अगर मैं आपको अनुमानित बताऊं तो हमारे मंदिर में अभी तक लगभग 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा हो चुका है, जो कि सभी आम लोग बिल्कुल अपने सहयोग से, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, प्रधान जी हैं, या जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, उनका भी, हमारे दीपक बिजलवान जी हैं ना जो अध्यक्ष, उनका भी काफी सहयोग हमको मिलता रहता है। अच्छा अच्छा। और ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा सहयोग है, प्रत्येक आम नागरिक पे हमने चंदा लगाया, एक बार लगाया, दूसरी बार लगाया, तो लोग मतलब अपनी श्रद्धा के अनुसार वो दिख भी रहा है कि कितनी खूबसूरत जो नकाशियां हैं वो बनाई गई, और मंदिर का जो भव्य दिव्य दर्शन है वो आपको होने वाले हैं। तो आपने इस मंदिर की जो खूबसूरती है वो देखी, और जो पुजारी जी ने बताया और जो मंदिर समिति का अध्यक्ष है उन्होंने इसके बारे में बताया, और काफ़ी खूबसूरती जो नकाशी है वो यहाँ पर हमने आपको दिखाई, तो आप भी यहाँ जरूर आइए और इस खूबसूरती का आनंद लीजिए। महाराज मुनि, ये कपिल मुनि महाराज और महासु महाराज का आशीर्वाद लीजिए, और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।